आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में काफ़ी कुछ सामान्य परिचय बताया जा चुका है। प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे संचरण करते हैं, प्लेट की व्याख्या, प्लेट के प्रकार इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि प्लेट से रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षित तीन प्रकार की जो किनारे होते हैं उनसे तीन प्रकार की ये निर्माण या विनाश या संरक्षी, ये तीनों प्रकार के क्रियाएं होती हैं। आज हम लोग प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य और पुराचुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य, देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो आया लोगों के सम्मुख उसका आधार महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत है। देखिए पहले यह माना जाता था कि महाद्वीपों में संचलन नहीं है, महाद्वीप स्थिर हैं, दृढ़ हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक भूगोलवेत्ता एवं विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। आज जहां पर जो महाद्वीप है पूर्व में उसकी स्थिति कहीं और थी और यह संचलन आज तक जारी है। हमें ध्यान होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अध्याय में वैगनर महोदय ने इसकी बृहद व्याख्या की है। उनके अनुसार समस्त महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, समस्त महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, जिनको कि पैंजिया के नाम से जानते थे। पैंजिया इस संयुक्त भाग को जो समस्त महाद्वीप, इसे पैंजिया के नाम से जानते थे। और इस महाद्वीप का विखंडन हुआ, टूट फूट हुआ, फिर संचलन हुआ, फिर कालक्रमानुसार समस्त महाद्वीप जो आज जिस जगह पे हैं वहां तक विस्थापित हुए। तो ये तो क्लियर है, स्पष्ट है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। हाँ यह बात अलग है कि अभी सिद्धांत की पुष्टि होनी बाकी है। तो इस महाद्वीपीय सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या जो थी वो टेलर महोदय ने की थी। टेलर ने 1910 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या की थी। तत्पश्चात वैगनर ने 1912 में अपने सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। महाद्वीपीय विस्थापन को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया गया था वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पश्चात। इसी दिशा में कार्य करते हुए अनेक विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन के दो प्रमुख साक्ष्य बताए। पहला पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र पैलियो मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा सागर नितल प्रसरण, उसे हम लोग अभी देख लेते हैं। सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये दो साक्ष्य हैं। इसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि महाद्वीपों का संचलन हुआ है। पहले आते हैं हम लोग पैलियो मैग्नेटिक फील्ड, पूरा चुंबकत्व। देखिए
पृथ्वी के जो पूरा चुंबकत्व क्षेत्र का ज्ञान सैकड़ों वर्ष से रहा है, किंतु इसका आविर्भाव, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो अनिश्चित बना हुआ है। ग्रीक दार्शनिक थेल्स को चुंबक पत्थर की विशेषताओं का ज्ञान था। थेल्स को चुंबक पत्थर का, जिसे लैड स्टोन कहते हैं, की विशेषताओं का ज्ञान था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीनी नाविकों ने चुंबक की विशेषताओं के कारण ही इसका प्रयोग दिशा सूचक की भांति किया। विलियम गिलबर्ट 1600 ईस्वी में ने बताया कि पृथ्वी का ग्लोब एक विशाल चुंबक की भांति काम करता है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य चुंबकीय मंडलों की भांति पृथ्वी का चुंबकन भी आंतरिक उत्पत्ति का परिणाम है। पृथ्वी के अंदर ही चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। गॉस 1839 ने यह सिद्ध किया कि चुंबकीय क्षेत्र के अधिकांश भागों का निर्माण भूपटल के नीचे होता है। अगर हम पृथ्वी के वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो यह एक वृहद शला का चुंबक बार मैग्नेट की भांति कार्य करता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं। इसकी अवस्थिति पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष के अनुरूप संरेखित होती है। बार मैग्नेट के अनुदैर्ध्य अक्ष के विस्तारण से पृथ्वी की सतह दो स्थानों पर प्रतिच्छेदित होती है, इसे आगे दिखाया जाएगा, जिसमें उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उत्तर दिशा को इंगित करता है तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव दक्षिण दिशा को इंगित करता है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उसके घूर्णन अक्ष के साथ संपाती न होकर 11.5 डिग्री दूर अवस्थित होता है। यदि एक लघु चुंबक को अगर हमको प्रैक्टिकली देखना है, समझना है, को पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो चुंबकीय नियमानुसार पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव लघु चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है तथा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव लघु चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि चुंबक के गुण होते हैं कि समान ध्रुव वालों को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत ध्रुव वालों को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर यह है कि लघु चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव है, वो पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के को आकर्षित करता है। इसके विपरीत लघु चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को आकर्षित करता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह भौगोलिक और उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को इंगित नहीं करता, वरन किंतु अपितु पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी अक्ष के मध्य एक कोणीय झुकाव की ओर इंगित करता है। अगर हम लोग उसको स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को इंगित नहीं करता है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी, ये जो भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी है और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के मध्य एक कोणिक झुकाव की ओर इंगित करता है। ये कोणिक झुकाव जो कि 11.5 डिग्री जैसा भी बताया गया था आपको, जो कि घूर्णन अक्ष के लगभग 11.5 डिग्री दूर अवस्थित होता है, 11.5 डिग्री दूर अवस्थित होता है।
ये जो हमारा भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण है तथा चुंबकीय दक्षिणी और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के मध्य 11.5 डिग्री का एक कोणिक झुकाव होता है, इसे ही हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसे कहते हैं स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई तथा पृथ्वी के क्षैतिज तल के बीच कोण को चुंबकीय झुकाव कहते हैं। चुंबकीय सुई लटकी हुई तथा पृथ्वी के क्षैतिज तल के बीच कोण को चुंबकीय झुकाव कहते हैं और इसे ही डिप भी कहते हैं, चुंबकीय झुकाव या डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप कहते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई तथा पृथ्वी के क्षैतिज तल के बीच के कोण डिप कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यदि ध्रुव पर चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के निकट होने के कारण अधिक आकर्षित होगा तथा चुंबकीय सुई लंब रूप में हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में यदि ध्रुव पर चुंबक को स्वतंत्र रूप से निलंबित लटकाया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के निकट होने के कारण अधिक आकर्षित होगा तथा चुंबकीय सुई बिल्कुल लंब रूप में हो जाएगी। परिणामतः लघु चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर इंगित करेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है, देखिए इसको फिर समझिए, यदि उत्तरी ध्रुव पर, यदि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव पर हम लोग चुंबक को स्वतंत्र रूप से निलंबित कर लटकाएं तो उसका उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के निकट होने की वजह से अधिक आकर्षित होगा, वहां पर अधिक आकर्षित होगा तथा चुंबकीय सुई लगभग लंबवत हो जाएगी, चुंबकीय सुई लंबवत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप लघु चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर इंगित होगा, लघु चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर इंगित होगा। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होगी, अर्थात लघु चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के अधिक निकट होने के कारण आकर्षित होगा। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय नति 90 डिग्री की होगी। पृथ्वी की सतह के जिस स्थान पर लघु चुंबक क्षैतिज हो जाता है वहां चुंबकीय नति या डिप 0 डिग्री होता है। इस प्रकार के वे सभी स्थानों जहां पर स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक क्षैतिज हो जाता है को मिलाने वाली कल्पित रेखा को मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं या चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। यहां पर चुंबकीय नति 0 होती है। यदि मैग्नेटिक इक्वेटर से स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक को धीरे धीरे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर खिसकाया जाए तो चुंबकीय नति बढ़ती जाती है। इसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। इसको देखिए आप कि मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ दिया है, ये वाला है। आप देखेंगे यह है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहते हैं,
वे सभी स्थान जहां पर स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक क्षैतिज हो जाती है को मिलाने वाली कल्पित रेखा को मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे खींच के बताया आपको, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। और जो भी कुछ देर पहले बताया था मैंने आपको 11.5 डिग्री का ये कोण, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इनके मध्य का कोण कितना है 11.5 डिग्री। इससे पहले वाले स्लाइड में इसे बताया गया था 11.5 डिग्री का कोण बनता है। और ये देखिए ज्योग्राफिक पोल और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक नहीं होता, ये थोड़े नॉर्थ पोल के बाई ओर 11.5 डिग्री का कोण बनाते हुए जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। वैसे ही साउथ पोल के दाहिने ओर, ये बाई ओर है और साउथ पोल के दाहिने ओर जियोमैग्नेटिक साउथ पोल होता है, साउथ मैग्नेटिक पोल यहां दिखाया गया देखिए और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यहां दिखाया गया है ये। और यदि चुंबकीय निरक्ष मतलब कि मैग्नेटिक इक्वेटर से स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक को धीरे धीरे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर की ओर, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर खिसकाया जाए तो चुंबकीय नति बढ़ती जाती है तथा चुंबक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर लंब हो जाती है। ऐसी स्थिति में नति 90 डिग्री होती है। देखिए काल्पनिक चुंबकीय अक्ष के सिरे पृथ्वी के धरातल को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं वे भूचुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं, जियोमैग्नेटिक पोल कहलाते हैं। जियोमैग्नेटिक पोल ये चुंबकीय अक्ष के सिरे पृथ्वी के धरातल के जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हैं वे भूचुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। भूचुंबकीय अक्ष पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष के साथ 11.5 डिग्री कोण बनाती है, बता दिया गया है। इस प्रकार भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव ये साढ़े 78 डिग्री उत्तर एवं 69 डिग्री पश्चिम में, 69 डिग्री पश्चिम, ये 69 डिग्री वेस्ट और 78 डिग्री उत्तर, ये 78 डिग्री उत्तर, 78 डिग्री नॉर्थ तथा दक्षिणी चुंबकीय भूचुंबकीय ध्रुव 78 डिग्री दक्षिण, 78.5 डिग्री दक्षिण, 78.5 यहां भी था एवं 111 डिग्री पूर्व में स्थित है, 111 डिग्री पूर्व 111 डिग्री ईस्ट में स्थित है। इसको हम लोग इस फिगर में जो बनाया गया इसे देख सकते हैं अच्छे से। ये थोड़ा सा आपको अभ्यास की आवश्यकता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कहाँ पे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, कहाँ पे वास्तविक नॉर्थ पोल है और कहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, कहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल है, कहाँ पे ज्योग्राफिक पोल है, कहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर है, कहाँ पे ज्योग्राफिक इक्वेटर है। ये चीज़ें थोड़ा सी ध्यान देने की बात है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। पृथ्वी के सामान्य द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में स्थानिक और कालिक अंतर होते हैं, इसे हम लोग अच्छे से समझ लेंगे बाद की क्लास में।
अभी तो हमें यह समझना है कि जो बताया गया वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसे अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से आपको चीज़ें सब स्पष्ट हो जाएंगी। इसे हम लोग एक अन्य आगे के स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक